रे कृष्णा आप सब कैसे हैं मुझे आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कि कृपा सभी पर हमेशा बनी रहे आरती सेवा पूजा सब हो चुकी है आ जाइए आप सब भी आरती ले लीजिए और फिर हम भागवतम पढ़ेंगे काफी सारे भक्त पूछते हैं कि आप कौन सा भागवतम पढ़ते हैं तो आप देख लीजिए ये है अगर आपको उल्टा दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं कि श्रीमद भागवतम मैं अभी प्रथम स्कंद पढ़ रही हूं और ये इस्कॉन से है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद शी, ए सी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत तो ये शील प्रभुपाद जी के द्वारा जो है इसका जो है वो अनुवाद किया गया है तो ये वाली भगवद भागवत हम हम पढ़ते हैं और बाकी की जितनी भी बुक्स हैं और भगवत गीता है वो भी हम जो है वो यही श्रील प्रभुपाद जी की ही पढ़ते हैं तो आज हम श्रीमद्भागवतम के पहले अध्याय पहले स्कंद का तीसरे अध्याय का तेरवा श्लोक अर्थ के साथ में पढ़ेंगे अष्टमे मेरुदेवायम तू ना जात अरुक्रम दर्शयन वर्म धीराणाम सर्वाश्र मन संस्कृत तो यहाँ पर बताया गया है कि आठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्ण आश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय हैं शील प्रुपा जी अपने तात्पर्य में यहाँ पर बताते हैं कि मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार आठ वर्गों में विभाजित है चार वृत्ति परक तथा चार सांस्कृतिक उत्थान से संबंध विभाग बुद्धिजीवी वर्ग शासक वर्ग उत्पादक वर्ग और श्रम जीवी वर्ग ये चार वृत्ति परक वर्ग हैं विद्यार्थी जीवन गृहस्थ जीवन वान प्रस्थ जीवन एवं सन्यासी जीवन ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान के चार सोपान हैं इनमें से सन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है और सन्यासी समस्त वर्णों एवं आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है सन्यास आश्रम में भी सिद्धावस्था के लिए चार अवस्थाएं होती हैं कुटीचक बहुदक, परिवज्रजकाचार्य परीव्राज तथा परमहंस परमहंस अवस्था सिद्धि की परम अवस्था है सभी इस आश्रम का आदर करते हैं राजा नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र महाराज ऋषभ भगवान के अवतार थे उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक गुरु का लाभ होता है जो दिव्य है और निरंतर बढ़ने वाला है प्रत्येक जीव सुख की खोज में रहता है किंतु कोई यह नहीं जानता कि शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ उपलब्ध होगा मूर्ख लोग वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्रिय सुख की खोज करते हैं किंतु ऐसे मूर्ख लोग यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार का अस्थाई तथा कथित इंद्रिय सुख तो सुकर कूकर भी भोगते हैं कोई भी पशु पक्षी या जंतु इस इंद्रिय सुख से वंचित नहीं है प्रत्येक योनी में जिसमें मनुष्य योनी भी सम्मिलित है ऐसा सुख प्रचुरता से उपलब्ध होता है किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिलता है मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षातकार द्वारा शाश्वत तथा असीम सुख प्राप्त करने के लिए मिलता है यह आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है जो लोग भौतिक आनंद से अपने को पृथक रखने में पटु है वे धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं और क्रमशः परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय वे समस्त शारीरिक अवस्थाओं से विलग हो गए जो दुर्लभ अवस्था है जिसका अनुकरण मूर्ख नहीं कर पाते लेकिन सभी लोग इसकी पूजा करते हैं हरे कृष्ण और आज है एकादशी तो अभी पेट पूजा का इंतजाम करते हैं कृष्ण की और अपनी भी तो चलिए मैं साबूदाने की खीर बना रही हूँ और काफ़ी सारे भक्त साबूदाने नहीं खाते हैं तो अगर नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं स्किप कर दीजिएगा और यहाँ पे बन रहे हैं कुट्टू के पकोड़े आलू डाल के तो ये बनाएंगे और काफ़ी सारे भक्त हैं सभी पूछते हैं अगर इतना सारा बनाना है खाना है तो फिर उपवास की क्या जरूरत है तो उपवास को भी एक त्यौहार की तरह मनाना चाहिए अगर आपके घर में बच्चे भी हैं तो और ताकि उनको बड़न ना लगे कि भैया उपवास है उपवास है और हम उपवास में वही चीज़ें लेते हैं जो कि ग्रहण की जा सकती हैं तो यहाँ पर साबूदाने अच्छी तरह से उबल गए थे मैंने साहुदानी पहले फुलाने नहीं डाल पाई थी इसीलिए इनको पहले मैंने उबाल लिया था और फुलाने डालते हैं तो भी उबालना तो पड़ता ही है और दूध गर्म करके दूध डाल के अच्छे से और उबाल लिया था कंसिस्टेंसी अच्छी हो गई थी खीर की उसके बाद मैंने शक्कर डाल दी है इसके अंदर ये देखिए अभी दो तीन मिनट और उबालूंगी उसके बाद में जो है खीर की कंसिस्टेंसी सही हो जाएगी उधर मैंने पकोड़े के लिए हरा धनिया भी कट कर लिया था आलू के साथ साथ और यहाँ पे ये काली मिर्च मैं पकौड़े के लिए ही जो है क्रश कर रही हूँ तो ये थोड़ी ज़्यादा जाएंगी इसके अंदर क्योंकि इसी का जो है तीखापन रहेगा और ये कुट्टू के बीज हैं ये देखिए आप इस तरीके के मिलते हैं आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे अमेजोन पे मिल जाते हैं तो आप ऐसे मंगा सकते हैं और इनको घर पे ही पीस लीजिए बहुत आसानी से ये मिक्सर ग्राइंडर में पीस जाते हैं और पीस के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कई तरह की वैरायटी बनाने के लिए तो अभी मैं इनको पीस लूँगी और ये जो मैंने तैयार करके रखे हैं आलू धोके और हरा धनिया इसके अंदर मैं डाल दूंगी अभी इसके अंदर नमक जाएगा तो ये उपवास का नमक है और पानी हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालेंगे एक साथ आप ज़्यादा पानी मत डाल देना नहीं तो अगर ये घोल पतला हो गया तो आलू पे से ये बहता है धीरे धीरे करके इसीलिए इसको ऐसे जैसे मैं अभी बताऊंगी आपको कि इतना गाढ़ा रखना है कि बस आलू के ऊपर ये चिपक जाए तो मैं पहले भी कई तरह की आपके साथ में जो है पकोड़े की वैरायटी बता चुकी हूँ हालांकि ये वाले भी मैंने बताए ही हैं लेकिन सोचा आज फिर से बता देती हूँ नए व्यूवर्स होंगे और यहाँ पर अभी हम खीर के लिए जो है ये चिरौंजी बोलते हैं हमारे यहाँ इसको और द्राक्ष काजू ये ले लिए हैं मैंने चिरौंजी आप साबुदाने खीर में डाल के देखिए बहुत अच्छे जो है उसके अंदर जाते हैं तो घी के अंदर मैंने ये चीज़ें थोड़ी भून ली थी और उसके बाद में मखाने इनको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे और ये जो जितनी चीज़ें मैंने डाली हैं ना वो सब जो है साबुदाने की खीर में बहुत अच्छी लगती हैं बस थोड़ा सा भुन जाए उसके बाद में आप इसको इसके अंदर डाल दीजिए और मैंने इलायची कूट के रख ली थी, थी पहले से तो उसके अंदर अभी इलायची को भी हम डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे तो हमारी ये जो खीर है वो तैयार हो चुकी है एकदम कंसिस्टेंसी इसकी सही है रखे रखे ये थोड़ी सी गाढ़ी और हो जाएगी तो इसीलिए अभी मैं इसको और गाढ़ा नहीं करूँगी अब यहाँ पे हम कुट्टू के आलू के पकोड़े सेक लेंगे आप चाहें तो इसके अंदर वो डाल सकते हैं फूल गोभी भी डाल सकते हैं और पनीर भी डाल सकते हैं वो भी डल जाता है क्योंकि वेजिटेबल तो खा सकते हैं उपवास में इसलिए ये डाल सकते हैं और ये देखिए बहुत ही अच्छे पकोड़े बन जाते हैं तो आप ट्राई कर लेना घर पे अगर आपके बच्चे भी उपवास करते हैं तो मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे आ, करीब छः सात साल के तभी से वो उपवास कर रहे हैं और बच्चे बाहर भी जाते हैं तो चाहिए उनको खाने पीने के लिए फिर बहुत उनको भूख लगती है और इसीलिए और भगवान को भी हम अच्छा सा भोग लगा सकते हैं इसलिए मैं बनाती हूँ यहाँ पर ठाकुर जी की अभी थाली लगा ली है सभी के अंदर तुलसी जी के पान रख दिए हैं और अभी हम भगवान को भोग लगाएंगे तो बिना तुलसी जी के पान के हमारे कृष्ण कभी भी भोग नहीं लगाते तो चलिए अभी हम ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं और आप सब ने एकादशी में क्या क्या किया मुझे ज़रूर बताइएगा अधिक से अधिक जब हमें करना चाहिए हो सके तो भगवत गीता भागवतम पढ़ने का प्रयास करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और सेवा भक्ति में हमें संलग्न रह रहना चाहिए एकादशी के दिन और यहाँ पर ठाकुर जी को भोग लग चुका है अभी समय हो गया है पेट पूजा का तो बहुत भयंकर भूख लगी हुई है तो अभी सोच रहे पेट पूजा भी कर लें तो बस खीर और पकौड़े भगवान के प्रसाद का आनंद लिया जा रहा है और बहुत ही बहुत ही अच्छे बने थे तो घर पर बनाइएगा जरूर और आज तक के लिए बस इतना ही था फिर किसी अगले वीडियो में मिलेंगे और हाँ मुझे एक और चीज़ बोलनी थी आप सभी को वहाँ आप सब कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मुझे एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा हरे कृष्णा हरे बोल धन्यवाद